हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट नर्सिंग में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं न्यू CHO NHM भर्ती जो कि MP ने निकाली है। दोस्तों काफ़ी वैकेंसी हैं, चलिए देख लेते हैं कौन कौन कितनी वैकेंसी हैं, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या एज लिमिट है और कितनी कितनी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं और कब से कब तक फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और कब इसकी लास्ट डेट है, चलिए दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहले आपको MP की ऑनलाइन वेबसाइट जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है वो खोलनी होगी। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे वेबसाइट खोलने के बाद में नेशनल हेल्थ मिशन MP कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर वैकेंसीज हैं। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 3,800 हैं। स्टार्टिंग डेट 18/9/2020 से 8/10/2020 तक है। मिनिमम एज 21 ईयर से 40 ईयर तक है मिनिमम और मैक्सिमम। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, सारी चीज़ों की बात कर लेते हैं, तो उसके लिए हमें इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा वो यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और यही साइट है, यहाँ से फॉर्म को अप्लाई करना है तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देंगे, नोटिफिकेशन पे अगर नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे और ऑफिशियल वेबसाइट ये होगी। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। हाँ जी दोस्तों, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया है, चलिए देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। रिक्वायरमेंट ऑफ 3,800 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर वैकेंसीज, यानी कि 3,800 वैकेंसी हैं। फॉर्म मैंने आपको बता दिए 18 सितंबर से 8 अक्टूबर तक हैं। कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, देखिए ये चीज़ आप अच्छे तरीके से देख लें। एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें क्या है कि BSc नर्सिंग वाले और पोस्ट BSc वाले भर सकते हैं। इसमें एक शर्त यहाँ पर रखी गई है, अगर जिन्होंने BSc नर्सिंग और पोस्ट BSc के साथ में CCH का जो प्रोग्राम है वो कर रखा है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर वो कॉलेज में पोस्ट BSc या BSc नर्सिंग कर रहे हैं और उनके सिलेबस में CCS जो प्रोग्राम है उसको छोड़ दिया गया है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बाकी लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एज लिमिट इसमें देख लेते हैं, 21 से 40 ईयर के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अलग अलग वैकेंसी निकाली गई हैं दोस्तों, OBC की अलग हैं, SC की अलग हैं, ST की अलग हैं, ठीक है। और सैलरी स्टाइपेंड क्या होने वाला है इसका, देखिए आफ्टर सिलेक्शन कैंडिडेट, यानी कि जो पहला एग्ज़ाम होता है उसके सिलेक्शन के बाद में जो है इसकी सैलरी 15,000 पर मंथ और 7,750 रुपये इंसेंटिव मिलने वाला है जो कि परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव होगा, ठीक है। उसके बाद में मेन एग्ज़ाम जो होगा इसका CHO का, अगर उसमें फेल हो जाता है यानी कि वो क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो ये टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, अगर वो एग्ज़ाम पास कर देते हैं तो उसके बाद इसकी सैलरी 25,000 पर मंथ होती है और 15,000 पर मंथ परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव होता है, ठीक है दोस्तों। इसके बॉन्ड की बात कर लेते हैं, इसका बॉन्ड 500 रुपये का पेपर होता है, उस पर 2,00,000 अगर हम ये CHO की जॉब बाद में कभी छोड़ देते हैं तो उसके लिए हमें 2,00,000 रुपये का बॉन्ड भरना पड़ेगा और ये चीज़ हमें 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिख के देनी होगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये आपको पढ़ लेने, आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, थैंक यू।